से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 12 की कुमार मित्तल की बुक है। आंकिक प्रश्नों का सोल्यूशन हो रहा है, मतलब कुमार मित्तल के सवालों का हल बताया जा रहा है आप लोगों को। और आपके पास पार्ट जो है, आपके पास जिसके था सॉरी यहाँ पे आपके पास सात होगा, ठीक है। अब सातवां पार्ट आप लोग पढ़ेंगे। सातवें पार्ट में आप लोगों के पास देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं स्क्रीन पर। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक 27 और एक 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग लिख लीजिए, देखा हीलियम नाभिक की, हीलियम नाभिक के कारण उससे एक इंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, ठीक है। अब मैं हीलियम के नाभिक पर एक इंगस्ट्रॉम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर इधर लिखा है टाइटल 5.0 गुणा 10^8 गुलाम बिंदु आवेश से, हमारे पास एक आवेश चार्ज दे दिया इतना, से कितनी दूरी पर, दूरी ज्ञात करना हमें आर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर गुलाम होगी। ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इस क्वेश्चन लगाते हैं। लगाने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन अपना मेन फंडा क्या है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आपको मैंने बताया था फॉर्मूला याद करके आना है आप लोगों को, जिससे आपको आसानी रहेगी सवाल लगाने में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है, मैं क्या जो जो चीज हमें दिया याद है या गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए दिया है या गिवन है, हीलियम नाभिक के कारण से दूरी हमें दे दी है, दूरी क्या दे दी है, आर बराबर दे दिया एक एंगस्ट्रॉम, बराबर एक इंगस्ट्रॉम। तो अब इस्तेमाल आर बराबर की हो जाएगा हमारे पास कितना, एक इंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होते हैं। अब उसने कहा हीलियम नाभिक के कारण हमें ज्ञात करना है, हीलियम नाभिक पर आप लोग लिख सकते हैं हीलियम नाभिक पर आवेश, हमारा क्या होता है परमाणु क्रमांक क्या होता है, दो होता है, ठीक। तो दो का मतलब हमारे पास चार्ज कितने हो जाएंगे, एन की संख्या कितनी होगी, ई हो जाएगी। और ई हमें पता है क्या होता है, ई बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणा ई का मान बहुत बार लिखा चुके हैं, यहाँ पे लिखा नहीं रहे तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब दिया जाएगा हमारे पास 16^32 × 10^-19 हमको ये मान मिल गए। देखिए ये मान मिल गया, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब आस्क या फाइंड आउट हिंदी में ज्ञात करना है, ठीक है। इंग्लिश में आप आस्क भी लिख सकते हो, एएसक या फाइंड आउट भी लिख सकते हो, मतलब ज्ञात करना है, फाइंड आउट ये भी लिख सकते हो। अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट। या प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, ई बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, आप भी लिखेंगे। अब हमको याद करना है, सोचना है, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालना है कि हमको ई क्यू आर में क्या दिया जाए, होना चाहिए फॉर्मूला जिससे हमें ई पता चल जाए। एक तो ई बराबर डब्ल्यू पान क्यू होता है, लेकिन डब्ल्यू में पता नहीं, एक ई बराबर एफ पान क्यू होता है वो भी नहीं पता है। तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हमने कराया था, आप लोगों ने देखा होगा ई बराबर 1/4πε0qr² था, वही लिखेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखो ये प्रोफार्मा अगर आप लिखेंगे, इससे आप लोगों को जो चीज थी, अगर आपको सवाल बाय चांस नहीं भी आ रहा है, आपने अगर गिवन लिख दिया है और ये अगर दो नंबर का सवाल है तो आपको एक नंबर 100% मिलेगा, इस वजह से आपको गिवन सवाल से लिखना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर लिखेंगे ऐसे तो एग्जामिनर समझेगा कि आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ आपको नॉलेज है, नहीं तो आपको समझेगा कि क्वांटम से आपने छाप लिया, ठीक है, उसमें वैसे भी नंबर आपके काट लिए जाते हैं।
इस फ्रेज से हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है 1/4πε0Q/r2। इतना आसान हमने फॉर्मूला बताया, हमें सबका मान पता है, ई निकालेंगे, हम यहाँ पे रख लेंगे मान, ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 का मान आपको पता है क्या होता है 9×10^9 होते हैं, और Q का मान निकाल चुके हैं, लिख रखा है 3.2×10^-19, और आर स्क्वायर का मान मतलब आर का मान दिया 1×10^-10^2। फिर से लिख लेंगे, अब देखिए हमारा आ जाएगा जी 16, 9×18 = 8, 9×27 = 27 और 1 = 28। नौ संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ से पावर हम कम करेंगे, 19 में से 9 कम कर देंगे -10/1, तो ऐसे रहेगा 10 दुना हो जाएंगे 28.8×10^-10। अब ये 20 ऊपर जाएगा माइनस के कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब 10 में से 20 में से 10 कम कर देंगे 28.8×। अब देखो पावर से पावर भर जुड़ कर जाती है, ये माइनस के ये प्लस के बचेंगे 10। अब देखिए एक पावर हम लोग आगे जाएगी, क्या रहेगा 2.88×, एक पावर इतने बढ़ जाएगी 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11। अब मात्रक क्या होगा, आपको मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी है, मतलब आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोगों ने कितने सवाल लगा चुके हैं, आप 27 नंबर तक पहुंच गए। अब तो मात्रक याद हो गया होगा कि न्यूटन पर कूलाम होता है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। जी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 का, कितना आसान तरीके से आपको सवाल बताया गया। ऐसे ही आपको करना है, आपके पास 27 नंबर क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में नोटेड है, आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आपको देखिए यहाँ पे मैं कट कर दे रहे हैं, और इतनी जगह पे आपको ज्यादा सवाल भी बताते हैं। यहाँ पे देखिए हमको दिया है सॉल्यूशन, आपके पास क्वेश्चन है कौन सा 28 नंबर, ठीक है, आप लोग उधर नोट कर लीजिएगा, जैसे हम हटते जाएंगे थोड़ा सी जगह में, अब 8 नंबर नोट करेंगे। अब देखिए दूसरे क्लस कर देते हैं, 5×8×10^-8, हमारे पास देखो कूलाम आवेश तो क्यू का मान दे दिया है 5.0×10^-8 कूलाम, ठीक दे दिया उसने, ये रख देंगे। अब उसने दूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तीव्रता दे दी है ई का मान 450 N/कूलाम, या ना। अब हमको आर ज्ञात करना है, सेम फॉर्मूला यही वाला लगाना जो यहाँ पे लगाया है, बस लगा देंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0Q/r2, ठीक, तो हमारे पास ई का मान दिया 750, ये हो जाएगा 9×10^9, ठीक, और गुणा क्यू का मान दिया 5.0×10^-8/2, आर का मान हमें निकालना है, ये हो जाएंगे देखिए 9×45 और 45 से 45 बचेंगे 10, बराबर हो जाएंगे हमारे पास 9 में से 8 कम कर देंगे बचेंगे 10/8 ना, इंटीग्रेशन तो आपको समझ में आ रही होगी, 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, रूट से बाहर आ जाएगी हमारे पास 1, और दूरी का मात्रक क्या होता है हमारे पास मीटर दे दिया गया। ये आपके पास हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया, तो आप लोग दोनों एक साथ स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिससे आपको आसानी रहेगी सवाल लगाने में, ठीक है, तो हम आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, तक हम पीछे देखते हैं वीडियो आपका मस्त बनना है, आपको दिख भी रहा है, बिंदास
ओके तरीके से आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है, तो वैद्युत आवेश का मान क्या होगा? अब इसमें तुमसे क्या पूछ लिया है, आवेश पूछ लिया है, क्या होगा आवेश बताना है। आवेश बता देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। शॉर्ट यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है हमको क्या, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर है। वैद्युत जो कोई चीज दी रही है हम सीधे सीधे लिखेंगे, दिया है हमें क्या, अब हमें को क्या याद करना है, वैद्युत क्षेत्र क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज याद करना है, इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल F बराबर क्या होता है हमारे पास Q होता है। अब इसके बराबर उसके इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है, तो भार एम जी आ जाएगा, इसके बराबर हमें निकालना क्या E, तो ये रहेगा E बराबर हो जाएगा हमारे पास F अपान Q, ठीक, और F की रख लेंगे M जी, पर ये क्या जाएगा मेन फार्मूला हमारा ये बन गया। अब इनमें सबके मान हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का आपका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वितरण और इलेक्ट्रॉन पर आवेश रख देंगे। एम बराबर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हमारे पास 9.0 भी होता है 1 भी होता है गुणा 10^-3 31 किलोग्राम, और जी बराबर हम रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 10 भी रख लिया जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आवेश क्यू बराबर होता है हमारे पास 1.6 × 10^-19 कूलम, बस ये मान रख देना है, ये सारे मान जाके आप यहाँ रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे रखते हैं जी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएंगे 9.0 × 10^-33 जाएंगे 9.8 हो जाएंगे, और बटे 1.6 × 10^-3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो यह जाएगा हमारे पास 9 × 72 = 81 81 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 88, हम लोग हमारा एक अंक और बटे लिया जाएंगे 1.6 × 31 पहले से और प्लस किया जाएंगे हमारे पास जाएगा, भाग देंगे 16 × 5 = 80, फिर बचेंगे हमारे पास 80 × 5 = 80, फिर बचेंगे 16 × 1 = 16, अब फिर बचेंगे 4 × 16 = 32, और फिर 16 × 5 = 80, 10^ आ जाएंगे 11 में से 9 जाएंगे 2, 2 में से जाएगा तो -1 = 12, यही हमारे पास क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, हमारे पास बराबर हमें आंसर मिल जाएगा। भैया ये कह रहे हैं कि हमने कर दिया है, आप मैच कर सकते हैं, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, सारे मान आपको दिए थे, आपको आंसर मिल गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर लिखा है आपके पास 30, ज्यादा नोट कर लीजिए, आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं आपको नोट करने के लिए, आप आसानी से नोट कर सकते हैं, कोई समस्या आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ओके। आप देखते हैं आगे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर हमें क्या दिया है, जो चीज दी है हम तुरंत लिखेंगे, दिया है हमको क्या दे दिया है, दूरी दे दी है, दूरी किसी नोट करते हैं आर 1 मीटर से, फिर आगे पढ़
पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको दे दिए, बराबर 450 वोल्ट पर मीटर। अब वैद्युत आवेश का मान क्या होगा हमको ज्ञात करना है। वैद्युत आवेश की बराबर वोल्टमान लिखेंगे। हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0Q/q, हमें क्या कुछ ये E का मान दिया 450, इसका होता है 9×10^9 होता है, Q निकालना है, R का मान 1 मीटर का स्क्वायर वो दे दिया है। फिर आगे से अधिक कीजिए बचेगा हमारे पास 9×45 बचेंगे 50 बराबर हो जाएंगे 50 × 10^9 × Q, तो Q बराबर जाएगा 50/10^9। ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Q बराबर 50×10^-9। अब एक पावर ये पॉइंट हमारा यहाँ आए तो हम यहाँ कर लेंगे 5.0×10^-8 और क्या हो जाएगा कूलाम्ब। आपके पास आंसर आ गया, क्वेश्चन अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, जल्दी से जल्दी कॉपी कीजिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन 33 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर आ गए 31 और 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, लिख दिए हैं। अब आपको इनका सलूशन बताया जाएगा। देखा एक स्थान पर 100 न्यूटन पर कूलाम्ब का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10^6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है? 10^6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करना है, हमें बल ज्ञात करना है वस्तु पर, उनको दिया क्या है वो निकलेंगे। दिया है उनको दिया हमें न्यूटन प्रति कूलाम्ब, हमारे पास कितना मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र, मतलब ई का मान दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम्ब पूर्व की ओर है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10^6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। हमारे पास अधिकता मतलब हमारे पास, अब आपको हमारे पास कौन सा अधिकता, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश कौन सा होगा, ऋण आवेश होगा। अगर अधिकता मतलब कमी होती है तो आवेश कौन सा होता है, धन आवेश होता है, आपको बता चुके हैं हम। अब यहाँ पे हमें क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10^6 और पूछा क्या हमसे बल F बराबर मुसलमान, ठीक। हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है F/Q होता है, हमें F चाहिए, F बराबर क्या रहेगा E×Q रहेगा ना, और आसान है ठीक। अब क्यों नहीं पता है तो क्यों हम निकाल लेंगे, जैसे F बराबर होता है हमारे पास E×Q रख लेंगे Ne, हमें E का मान पता है 1.6×10^-19 कूलाम होता है, मान रख देंगे सारे। E का मान लिखा 1000, N का मान लिखा 10^6 और E का मान लिखा है 1.6×10^-19 1.6 T 0 इस पे है और 6 3 हो जाएंगे 9×10^9 और 10^-19 बचेंगे 1.6
पावर से पावर घट जाती जुड़ जाती, 19 ज्यादा है 9 हमारा कम है, 19 में से 9 कम कर देंगे प्यारे दोस्तों, क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 10 बचेगा, तो जी हमारे पास क्या आ गया न्यूटन हमारे पर आंसर आ गया 1.6 × 10⁻¹⁰ न्यूटन, और इसकी जो दिशा होगी वो हमारी पूर्व की ओर होगी। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया, आप लोग नोट कीजिए फिर आगे के साथी क्वेश्चन नंबर। ठीक है आप लोग आंसर जरूर मैच कीजिएगा अपनी बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नोट कर चुके होंगे स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे आते हैं आपसे थोड़ा सा टाइम में। आप बताते हैं इधर फिर क्वेश्चन लिखा आपके पास 3 माइक्रोग्राम या 18 क्वेश्चन जी है, 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर अधिकतम हमारे पास 3 माइक्रोकूलाम 2 मीटर पर माइनस का 2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु वैश्विक क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे 1 मीटर, अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ पर भी होगी हमारे पास, जानते हैं इस बिंदु पर हमें E का मान ज्ञात करना है, मुझे आपको बताना है। हो गया, आप लिखेंगे हमें Q1 दिया है, हमें Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलाम दिए जाएंगे, 1 माइक्रो में कितने होते हैं माइनस के 6 कूलाम, Q2 बराबर हो जाएगा 2 माइक्रो कूलाम दिए हो जाएंगे हमारे पास 2 × 10⁻¹⁶ कूलाम हो गया, और R1 और R2 हमारे पास 1 मीटर हो जाएगा, हमें ज्ञात कर करना वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, वैद्य क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, हम जानते हैं ती परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है E1 + E2, सबके मान मिल जाएंगे तो 1/4πε0 Q1/R1 इसका प्लस 1/4πε0 Q2/R2। अब जी हमें मान मिल गए, अब इसको हम हल करेंगे, वहां पे जगह नहीं दिया वाला आप लोग नोट कर चुके होंगे, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं, इस तरह वाला सवाल फिर वो वाला इस तरह बताएंगे, देखते हैं आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास E बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 हम कॉमन ले लेंगे, और ये बचेगा हमारे पास Q1/R1² प्लस Q2/R2². अब मान रखते हैं ये हो जाएगा 9 × 10⁻¹⁹ Q1 का मान दिया हुआ है हमारे पास 3 × 10⁻¹⁶ बटे R1 का R² हो जाएगा 2 × 10⁻¹⁶ बटे 1 का 9 × 10⁻¹⁹ अब ये एक काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएंगे कि 3 × 2 5 × 10⁻¹⁶ यानी कि 9 × 45 × 9 में से 6 कम कर देंगे बचेंगे 3 बचेगा, तो 9 का आगे कर लेंगे 4.5 × 10⁴ इसका न्यूटन पर कूलाम, तीव्रता का मात्रा क्या होता है न्यूटन पर कूलाम होता है ना, बराबर हमारे पास
आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान बहुत इजी सवाल है आपके पास। ठीक है, तो ये लगा लिए होंगे, तो आज के लिए इतना ही रहेगा आपके पास, इतने ही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इसके आगे आप लोग क्वेश्चन नए भी नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे, क्योंकि आप लोग इतने क्वेश्चन कीजिए इसके बाद फिर लगाते हैं। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको हमारे पर पहुंच जाएगी, तो आप लाभ उठा सकते हैं। और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और कोई अगर आपको कमी लग रही हो, कोई फॉल्ट कर रहा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, नहीं आप वहाँ कुछ लिख सकते हैं, बता सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं 8574-6635, और ये हमारा 888 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, और साथ साथ आपसे कोई नोट्स या कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो आप एसएमएस कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलेंगे, बाय बाय, नमस्ते।